पोशींदा को इंग्लिश में कहेंगे पीन पीन. नेक्स्ट वर्ड है सेकना, रोटी वगैरह का सेकना, सेकना को इंग्लिश में कहेंगे बेक बेक. नेक्स्ट वर्ड है बेलना, रोटी वगैरह का बेलना, तो बेलना को इंग्लिश में कहेंगे रोल आउट रोल आउट. नेक्स्ट वर्ड है गूथना या मारना, आटा वगैरह का गूथना या मारना, गूथना को इंग्लिश में कहेंगे नीड नीड. नेक्स्ट वर्ड है पलटना, रोटी वगैरह का पलटना, तो पलटना को इंग्लिश में कहेंगे फ्लिप फ्लिप. अब नेक्स्ट वर्ड है उड़ेलना या डालना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे पोर पोर. नेक्स्ट वर्ड है मिलाना, मिलाना को इंग्लिश में कहेंगे मिक्स मिक्स. अब नेक्स्ट वर्ड है पीसना, पीसना को इंग्लिश में कहेंगे ग्राइंड ग्राइंड. नेक्स्ट वर्ड है घोलना या घुलना, जैसे शक्कर को घोलते हैं पानी में, तो घोलना को इंग्लिश में कहेंगे डिजॉल्व डिजॉल्व. नेक्स्ट वर्ड है छिड़कना या बुरकना, जैसे धनिया छिड़कते हैं सब्जी में, तो छिड़कना को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रिंकल स्प्रिंकल. नेक्स्ट वर्ड है पिघलना या पिघलाना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे मेल्ट मेल्ट. अब नेक्स्ट वर्ड है चलाना या विलोड़ना, जैसे आप सब्जी चलाते हैं तो चलाना को इंग्लिश में बोलेंगे स्टर स्टर. अब नेक्स्ट वर्ड है निचोड़ना, जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो निचोड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वीज स्क्वीज. नेक्स्ट वर्ड है फेंटना, जैसे क्रीम वगैरह फेंटते हैं तो फेंटना को इंग्लिश में बोलेंगे विस्क विस्क. अब नेक्स्ट वर्ड है छानना, जैसे लिक्विड वगैरह का छानना, जैसे चाय वगैरह, तब आप वहां पर यूज करेंगे स्ट्रेन स्ट्रेन. नेक्स्ट वर्ड है छानना, जैसे आटा वगैरह का छानना या चीनी वगैरह का छानना या मैदा वगैरह का छानना, तब आप वहां पर यूज करेंगे सिफ्ट सिफ्ट. अब नेक्स्ट वर्ड है काटना, काटना को इंग्लिश में बोलेंगे चॉप चॉप. नेक्स्ट वर्ड है घिसना या कद्दूकस करना, तो घिसना को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट वर्ड है नापना, नापना को इंग्लिश में बोलेंगे वे वे. अब नेक्स्ट वर्ड है तलना, तलना को इंग्लिश में बोलेंगे फ्राई फ्राई. नेक्स्ट वर्ड है भूनना, भूनना को इंग्लिश में बोलेंगे रोस्ट रोस्ट. नेक्स्ट वर्ड है छोंकना, छोंकना को इंग्लिश में बोलेंगे सीजन सीजन. अब नेक्स्ट वर्ड है मथना, मथना को इंग्लिश में बोलेंगे चर्न चर्न. नेक्स्ट वर्ड है जमाना, जैसे दही वगैरह को जमाते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेट सेट. अब नेक्स्ट वर्ड है उबालना, उबालना को इंग्लिश में बोलेंगे बॉइल बॉइल. नेक्स्ट वर्ड है उफनना, जैसे दूध वगैरह बाहर निकल जाता है भगोनी से, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉइल ओवर बॉइल ओवर. नेक्स्ट वर्ड है कूटना, कूटना को इंग्लिश में बोलेंगे टैम्प टैम्प. अब नेक्स्ट वर्ड है मसलना, जैसे आलू मसलते हैं तो मसलना को इंग्लिश में बोलेंगे मैस मैश. नेक्स्ट वर्ड है डुबाना या डुबोना, जैसे गुलाब जामुन हम क्या करते हैं चाशनी में डुबो देते हैं, तो डुबोना को इंग्लिश में बोलेंगे डिप डिप. नेक्स्ट वर्ड है बीनना, जैसे चावल वगैरह बीनते हैं तो बीनना को इंग्लिश में बोलेंगे पिक पिक. नेक्स्ट वर्ड है भिगोना, जैसे बादाम वगैरह भिगो देते हैं तो भिगोना को इंग्लिश में बोलेंगे सोक सोक. अब नेक्स्ट वर्ड है लगाना
जैसे मक्खन लगाते हैं रोटियों पे, तो लगाना को इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रेड, स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है ढकना, ढकना को इंग्लिश में बोलेंगे कवर, कवर। अब लास्ट वर्ड है सजाना, खाने वगैरह को सजाना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गार्निश, गार्निश। ये आज के हमारे क्विज छोकना और मथना, लिखकर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Here are other two videos. You can watch them as well. And if you haven't yet subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon for my upcoming videos and share these all videos among your friends.